good morning students and my dear friends i'm dr shalini shukla and today is 12th of september 2022 monday before starting the lecture if you want pdf you can join my telegram channel you can also follow me on other social media platforms so let's start with today's discussion motivation of the day is you are enough just as you are आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज आर्टिकल्स कवर करेंगे तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर एक पर दिया हुआ है रशिया ऑफर्स इंडिया ऑयल एट इवन चीपर रेट्स जब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुई और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने रशिया पर सेंक्शन लगाए हैं उसके बाद से रशिया कंटिन्यूसली अपने जो फ्रेंडली नेशंस हैं उनको चीप या डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल ऑफर कर रहा है क्योंकि ऑयल इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट कमोडिटी फ्रॉम रशिया एंड वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम्स एंड फॉरन एक्सचेंज अर्निंग और उसी लाइन में रशिया ने इंडिया को भी डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल ऑफर किया था हालांकि बहुत सारा प्रेशर आया था इंडिया पर इंटरनेशनल प्रेशर कि इंडिया रशिया से ऑयल ना ख़रीदे बट इंडिया ने वो सारा प्रेशर सस्टेन किया और रशिया से ऑयल ट्रेड एनर्जी ट्रेड कंटिन्यू रखा और कंटिन्यू रखने के बाद इवन हम अगर देखें डेटा तो इस ड्यूरेशन में रशिया और इंडिया के बीच में जो ट्रेड है ऑयल ट्रेड है जो ऑयल बिज़नेस है ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है और अभी रिसेंटली जी सेवन नेशन्स ने जो सेंक्शन लगाए हैं जेम्बल से जो प्राइसिंग कैप लगाया है रशियन ऑयल पर और इसको इन्फोर्स करने के लिए वो जितनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं उसके बाद से रशिया ने इंडिया को और ज़्यादा लोअर रेट्स पर ऑयल ऑफर किया है क्रूड ऑयल ऑफर किया है एज पर द ऑफिशियल और इसके बदले में डेफिनेटली रशिया ने कुछ मांगा होगा अगर रशिया बहुत ज़्यादा लोअर रेट पर मार्केट प्राइस से लोअर रेट पर इंडिया को क्रूड ऑयल ऑफर कराया तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी समथिंग इन रिटर्न और रिटर्न में क्या मांगा है रशिया ने रिटर्न में रशिया ने इंडिया से कहा है दैट इंडिया शुड नॉट सपोर्ट द जी सेवन प्रपोजल यानी ग्रुप ऑफ सेवन का जो प्रपोजल है प्राइस कैपिंग का रशियन ऑयल पर उसको इंडिया सपोर्ट ना करे तो रशिया इंडिया को डिस्काउंटेड और ज़्यादा लोअर रेट पर ऑयल ऑफ़र करेगा इंडिया के केस में क्रूड ऑयल को लेकर के इंडिया की डिपेंडेंसी इंटरनेशनल मार्केट पर ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास हमारे पास क्रूड ऑयल के रिजर्वर्स नहीं हैं हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते और जिस तरीके से रिसेंट टाइम में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद उसको देखते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट इंडियन इकॉमी पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव पड़ा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा इम्पैक्ट कर रहा है हमारा कैड इम्पैक्ट कर रहा है जो हमारा इन्फ्लेशन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सी पी आई वो भी कंटिन्यूसली इम्पैक्ट कर रहा तो इकॉनमी जो है वो इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस और इंक्रीजिंग एनर्जी प्राइसेस से इम्पैक्ट कर रही है इंडिया की बहुत ज़्यादा उस ड्यूरेशन में रशिया ने इंडिया को डिस्काउंटेड प्राइस पे क्रूड ऑयल ऑफर किया था दोनों ही कंट्रीज़ का अपना अपना इंटरेस्ट है इंटरनेशनल ट्रेड में जो नेशनल इंटरेस्ट होता है वो सुप्रीम होता है उसकी सुपरम्यूसी होती है और इसी लाइन में रशिया ने इंडिया को बोला है कि जो डिस्काउंट अब रशिया ऑफर करेगा इंडिया को दैट विल बी द सब्सटेंशियल डिस्काउंट जो कि इराक ने पास टू मंथ्स में भी इंडिया को ऑफर नहीं किए हैं तो इनिशियली जब ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट होती है तो मई में, में इंडिया ने रशिया ने इंडिया को मार्केट रेट से अप्रॉक्सीमेटली डॉलर सोलह पर बैरल डिस्काउंट ऑफर किया था हालांकि जून में यही डिस्काउंट रिड्यूस होकर के फोर्टीन पर बैरल आ गया था और अगर अगस्त के महीने की बात करें तो रशिया का जो क्रूड ऑयल है वो अप्रॉक्सीमेटली छः डॉलर कम कॉस्ट कर रहा है एवरेज क्रूड ऑयल इंपोर्ट बास्केट प्राइस के कंपैरिजन में जो कि इंडिया इंपोर्ट करता है एज पर द ऑफिशियल्स और जैसे ही रशिया ने इंडिया को डिस्काउंटेड या लोअर रेट पे क्रूड ऑयल ऑफर किया तो जो अदर कंट्रीज हैं जो इंडिया के अदर नेशंस हैं जो अदर पार्टनर नेशंस हैं जो कि इंडिया को अपना ऑयल इम्पोर्ट करते हैं इंडिया को अपना ऑयल एक्सपोर्ट करता है जैसे कि इराक की अगर हम बात करें तो इमीडिएटली रशिया के इस डिस्काउंट ऑफर के बाद इराक ने भी अपने जो प्राइस थे उसमें कटौती करी थी उसमें कट डाउन किया था और इवन अगस्त के मंथ में अगर हम देखें तो इराक ने इंडिया को अप्रॉक्सीमेटली डॉलर नाइन पर बैरल का डिस्काउंट दिया था जो कि रशियन ऑयल में जो डिस्काउंट मिल रहा उससे भी ज़्यादा था तो रिसेंट टाइम में इराक ने इंडिया इंडिया के एक्सपोर्ट इंडिया को एक्सपोर्ट करने के फील्ड में इस्पेशली ऑयल के मैटर में, में रशिया को ओवरकम किया था इसी के बाद से इराक और रशिया दोनों ही इंडिया के इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर के फॉर्म में इमर्ज हुए थे मोर स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ ऑयल एंड एनर्जी अब चूंकि इराक जो था वो ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर कर रहा था डेफिनेटली जो इम्पोर्ट था इराक का वो इंडिया में ज़्यादा इंक्रीज हुआ इन कंपैरिजन टू द रशिया रशिया जो था वो थर्ड पोजीशन पर शिफ्ट कर गया था इन द लिस्ट ऑफ नेशंस फ्रॉम विच बल्क ऑफ इंडियाज ऑयल ओरिजिनेट्स और इस रशिया यूक्रेन क्राइसिस के ड्यूरेशन में रशिया ने अप्रॉक्सीमेटली एटीन पॉइंट टू परसेंट का ऑयल इंपोर्ट किया है इंडिया को तो अगर हंड्रेड परसेंट इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है तो उसमें अट्ठारह परसेंट रशियन ऑयल था सऊदी अरेबिया ट्वेंटी पॉइंट एट परसेंट इराक ट्वेंटी पॉइंट सिक्स तो इराक अभी भी रशिया से आगे था इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ के जी सेवन कंट्रीज़ के सेंक्शन इंक्रीज़ हो रहे हैं और जब भी नया प्रपोजल आया प्राइसिंग कैप को लेकर के उसके बाद से इमीडिएटली रशिया ने इंडिया को और ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर किया है प्रोवाइडेड दैट इंडिया जो है वो जी नेशंस का जो सेंक्शन प्रपोजल है उसको सपोर्ट ना सो दिस इज द लॉक स्टॉक एंड बैरल पॉलिटिक्स इंडिया रशिया ट्रेड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड टोटल क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स ऑफ इंडिया तो हम देख सकते हैं दिस ब्लू बार इंडिकेट्स अ एक्सपोर्ट रेड बार इंडिकेट्स अ इम्पोर्ट एंड दिस ग्रे बार इंडिकेट्स अ क्रूड ऑयल इम्पोर्ट तो दो हजार बाईस का डेटा है जनवरी से लेकर के जून तक का यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट और जुलाई के मंथ में अगर हम देखें तो इंडिया ने रशिया से अट्ठारह परसेंट कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया क्योंकि इराक ने हमें ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर किया तो इसी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए मॉस्को जो है वो अब न्यू दिल्ली को ऑफर कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट रेट और इसी ट्रेड और इसी बिजनेस और इसी इशू को लेकर के पेज नंबर चार पाँच पर भी दो न्यूज़ दी हुई हैं उसको भी हम यहीं कवर करेंगे देख लेते हैं न्यूज़ क्या है, है। मॉस्को नाउ वॉन्ट्स बिजनेस इन रापुल ट्रेड में टेक हिट इफ़ यू रिमेंबर हमने कई बार बाईल पेमेंट अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस किया था जब से रशिया यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुई थी रशिया पे सेंक्शन लगे थे रशिया के पास फॉरेन एक्सचेंज डिप्लीट हो रहा था तो रशिया ने अपने फ्रेंडली कंट्री से बोला था कि वो लोकल करेंसीज में जो तो डोमेस्टिक करेंसीज हैं उसमें ट्रेडिंग करें तो रुपी रबल ऑल्टरनेटिव ट्रेड और पेमेंट मैकेनिज्म तो था वो इंडिया और रशिया ने, ने स्टार्ट किया था नाउ रशियन ट्रेडर हैव स्टार्टेड आस्किंग फॉर पेमेंट्स इन रबल इंस्टेड ऑफ इंडियन रुपे सो रशियन फॉर है एक्सपोर्ट्स टू इंडिया और एक्सपर्ट्स का कहना कि है कि ये जो डिमांड है रशियन ट्रेडेड की दिस कुल डी रेल द ट्रेड बिटवीन दीज टू कंट्रीज जो कि अभी रिसेंटली रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद पिकअप हुआ है इंडिया और रशिया का जो ट्रेड ट्रे ट्रे वो डी रेल हो सकता है अगर रशियन ट्रेडर इस तरह की डिमांड कंटिन्यू रखते हैं एंड दिस इज बिकॉज इंडियन इम्पोर्टर्स आर अनेबल टू पे इन रबल और अगर अप्रैल जून का हम क्योंकि क्वार्टर का ट्रेड देखें तो इंडिया इंपोर्ट फ्रॉम रशिया व अप्रॉक्सीमेटली डॉलर नाइन पॉइंट टू सेवन बिलियन जो कि थ्री हंड्रेड सिक्सटी नाइन परसेंट पिछले साल के कंपेरिजन में ज्यादा है और इस पूरी इम्पोर्ट में कभी का तो टू थर्ड जो पार्ट है इसका टू थर्ड पार्ट दैट इज कम ऑफ ऑयल इम्पोर्ट्स इसके अलावा कोल सोयाबीन सनफ्लावर क्रूड ऑयल फर्टिलाइजर इस तरह की कमोडिटीज का भी इम्पोर्ट इंडिया ने किया है रशिया से और ऑयल इंडस्ट्री के जो सोर्सेज उनका एक कहना है कि जो रशियन ट्रेडर्स हैं दे आर एक्चुअली डिमांडिंग रबर पेमेंट्स और रिसेंटली इसी को लेकर के चाइना से एक डील भी साइन करी रशिया ने जहाँ युआन और रबल में पेमेंट होगा इंस्टेड ऑफ डॉलर सो लेट सी इंडियन ट्रेडर इस पर्टिकुलर डिमांड को इस रिक्वेस्ट को कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं और इसका इम्पैक्ट रशिया यूक्रेन क्राइ रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद जो इंडिया और रशिया का जो ट्रेड इंक्रीज़ हुआ है उस पर कितना देखने को हमें मिलता है अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज जो कि रशियन ऑयल से ही रिलेटेड है रुपी फाइव हंड्रेड करोड़ इंश्योरेंस हेल्प्स टू काउंटर जी सेवन कैप ऑन रशियन ऑयल सो इंडिया हैज़ बीन एबल टू पुश बैक अगेंस्ट जी सेवन डिसीजन ऑफ अ कैप ऑन रशियन ऑयल लेटली बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ फाइव हंड्रेड करोड़ इंश्योरेंस पूल टू अंडर राइट इम्पोर्ट्स टू इंडिया एज पर द बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफिशल और नॉलेज तो एक्सपोर्ट्स का कहना है कि जो जी सेवन का जो प्रपोजल था प्राइसिंग कैप का प्रपोजल था रशियन ऑयल पर फ़िलहाल के लिए इंडिया उससे पुशबैक कर पाया है क्यों पुशबैक कर पाया है क्योंकि 500 करोड़ का इंश्योरेंस पूल अवेलेबल था टू द अंडर राइटर्स इम्पोर्ट टू इंडिया जिसकी वजह से फ़िलहाल के लिए जी सेवन का जो प्रपोजल था उसको पुशबैक कर पाया उससे सस्टेन कर पाया है इंडिया जो कि रशिया चाहता था अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर टू दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर सिक्स ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड्स स्पोर्ट इन क्वार्टर एंड एक्टिविटीज मे स्क्वीज लिक्विडिटी फॉर जो लास्ट थ्री वीक बचे हैं इस क्वार्टर में इसके एज पर द डेट और एज पर द एक्सपर्ट ये जो लास्ट थ्री वीक्स हैं इनमें लिक्विडिटी पर फिर से प्रेशर बनेगा लिक्विडिटी फिर से रिट कम होगी या हम बोल सकते हैं कि लिक्विडिटी क्राइसिस फिर से जनरेट होगी बिकॉज ऑफ द टू फैक्टर्स व्हाट ऑफ द टू फैक्टर्स पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स बाय से फिफ्टीन जो कि लास्ट डेट है अपार्ट फ्रॉम इट क्रेडिट ऑफ टेक टूवर्ड्स द एंड ऑफ क्वार्टर तो क्वार्टर टू ऑफ फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री एंड होगा इस क्वार्टर के थ्री वीक्स बचे हैं एंड होने के इन थ्री वीक्स में ऐसा कहा जा रहा है कि लिक्विडिटी पर प्रेशर फिर से बनेगा लिक्विडिटी फिर से क्राइसिस थोड़ी सी क्राइसिस फिर से जनरेट हो सकती है बिकॉज ऑफ द एडवांस टैक्स पेमेंट एंड बिकॉज ऑफ द क्रेडिट ऑफ टेक टुअर्ड्स द एंड ऑफ दिस क्वार्टर इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिया में फेस्टिव सीजन भी आ रहा है डिमांड भी बढ़ेगी तो डेफिनेटली कैश विदड्रॉल भी देखने को मिलेगा कैश इन सर्कुलेशन भी बढ़ना चाहिए तो कैश विदड्रॉल होगा तो लिक्विडिटी करेंसी सिचुएशन आ सकती है दिस कुड फर्दर पुश ऑफ द इंटरेस्ट रेट ऑन टर्म डिपॉजिट्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रोमेंट लिक्विडिटी क्राइसिस होगी तो जब बैंक्स हैं वो लिक्विडिटी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे अगर लिक्विडिटी मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली उन्हें टर्म डिपॉजिट्स पर एफ पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ेगा तभी इंडिविजुअल इंस्टेड ऑफ डूइंग एक्सपेंडिचर दे विल ट्राई टू सेव द मनी एज सिंपल एज देट जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो पुशअप हो सकते हैं इन टर्म डिपॉजिट एज वेल एज इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ऑल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो ऑपरेशन जो हैं वो अपने फिलहाल के लिए इनिशिएट करने का या हम बोल सकते हैं आरबीआई जो है वो अपने रेपो ऑपरेशंस जो है वो इनिशिएट कर सकती है इंक्रीज कर सकती है कर सकती है जस्ट टू मेंटेन द एडिक्वेट लिक्विडिटी इन द सिस्टम क्योंकि पैंडमिक के बाद जो है इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत थी हालांकि इस लिक्विडिटी की वजह से जो इन्फ्लेशन देखने को मिले थे वो प्राइमरी कंसर्न था लेकिन अभी फेस्टिव सीजन आ रहे हैं क्वार्टर का एक क्वार्टर टू एंड होने वाला है एडवांस टैक्स पेमेंट करना है क्रेडिट ऑफ चेक बढ़ सकता है क्योंकि इन्वेस्टिव सीजन में डिमांड बढ़ती है जिसकी वजह से लिक्विडिटी पर प्रेशर पड़ेगा और उसी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि आर जो है वो अपने रोपे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है ऑल जो बैंक्स हैं और जो मनी मार्केट डीलर्स हैं दे आर टेकिंग डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स जस्ट लाइक इंक्रीजिंग ऑफ द इंटरेस्ट रेट इन द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड टर्म डिपॉजिट और जो पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स अगर बैंकर्स मनी मार्केट डीलर्स की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग जो लिक्विडिटी क्राइसिस है वो ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है ऑलरेडी जो लिक्विडिटी वो डिक्लाइन कर चुकी है फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री में आफ्टर द चेंज इन एफ डी आई आर बी आई पॉलिसी इंस्टेंट दो बार आर बी आई ने रेपो रेट को बढ़ाया है उसके बाद से ऑलरेडी लिक्विडिटी जो पर प्रेशर बना हुआ है मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो डिक्लाइन करी है और इस ड्यूरेशन में लिक्विडिटी सफिशिएंट लिक्विडिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर गवर्नमेंट और आरबीआई इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना चाहते हैं जो कि गवर्नमेंट कई बार इंटेंड कर भी चुकी है तो ऐसा कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आर बी आई प्रॉपरली डिसीजन्स ले सकती है बैंकर्स जो हैं वो भी डिसीजन्स लेंगे या हो सकता है अगर उन्होंने अपने उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया वो डिसीजन्स नहीं लिए लिक्विडिटी को मेनटेन करने का तो बैंक्स में फॉल इन सर प्लस लिक्विडिटी द गैप बिटवीन पेस ऑफ वन मोबालाइजेशन एंड द रेट ऑफ क्रेडिट ऑफ टेक इज ऑल्सो एडिंग टू द प्रेशर ऑन लिक्विडिटी तो अपकमिंग टाइम के लिए एक्चुअली फोकास्ट किया जा रहा है तो दिस इज द ग्रोइंग गैप इन डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट ऑफ टेक जो कि हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि डिपॉजिट रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है जो क्रेडिट रेट है उस वो उस प्रेस में इंक्रीज हो रहा है और जो गैप बढ़ रहा है ये प्रेशर डाल रहा है कि इस पर बैंक्स पर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर क्योंकि एक डिसेंट क्रेडिट रेट के लिए एक डिसेंट डिपॉजिट रेट होना बहुत ज़रूरी है तो दिस इज़ द डेटा ऑफ फाइनेंशियल ये ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री आप देख सकते हैं क्रेडिट इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट में क्या रेशियो है क्या रिलेशन है किस तरीके से रिसेंट टाइम में जो डिपॉजिट्स है वो डिपॉजिट रेट है वो फॉल हुआ है क्रेडिट रेट जो है वो फॉल हुआ था बट अब वो बढ़ना शुरू हो चुका है और उसका इम्पैक्ट एक्चुअल इम्पैक्ट हमारे इन्वेस्टमेंट पर क्या पड़ा है डेफिनेटली डिपॉजिट जो है वो कहीं ना कहीं हमारे क्रेडिट को इम्पैक्ट करते हैं जो क्रेडिट होता है वो हमारे इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन को इम्पैक्ट करता है दैट इज़ वाई फॉर एनी Three indicators, these three economic parameters or financial parameters are very important to be positive. Update article number three, that is given on page number six of business standard trade bodies for restart in futures trading ahead of curry. हार्वेस्ट तो करीब हारवेस्ट स्टार्ट होने वाली है जस्ट अबाउट फ्यू नेक्स्ट फ्यू मंथ तो उसके पहले बहुत सारी जो ट्रेड बॉडीज हैं फार्मर ग्रुप्स हैं वो अथॉरिटीज़ को अप्रोच कर रहे हैं किस लिए अप्रोच कर रहे हैं टू लिफ्ट द बैन ऑन फ्यूचर ट्रेडिंग ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर कमोडिटीज कुछ एग्रीकल्चर कमोडटीज के फ्यूचर ट्रेडिंग पर गवर्नमेंट ने अथॉरिटीज़ ने बैन लगा रखा था उस बैंक को रिमूव करने के लिए उस बैंक को लिफ्ट आउट करने के लिए जो ट्रेड बॉडीज हैं फार्मर ग्रुप्स हैं दे आर अप्रोचिंग द अथॉरिटीज तो इस लाइन में सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड जिसको हम सी ओ ओ आई टी भी बोलते हैं मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया मोपा एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफ पीओ इस तरह के जो दे दे हैव केइजेशन और दे आर गोइंग टू द वेरियस स्टेक और अथॉरिटीज इन रिटर्न एंड ओवर प्रेजेंटेशन फॉर्म है फ्यूचर ट्रेड्स टू लिफ्ट अ बैन ऑन द फ्यूचर ट्रेड इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर कंज्यूमर प्रोसेसर एंड डाउन स्ट्रेम इंडस्ट्री तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेश तीन ऑर्गेनाइजेशन ने अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया है कि फ़िलहाल के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग पर जो बैन लगा है उसको रिमूव कर दिया जाए उसको हटा दिया जाए जिससे कि फार्मर कंज्यूमर प्रोसेसर प्रोड्यूसर डाउन स्ट्रेम जो इंडस्ट्रीज हैं उन सबको प्रॉफिट हो उन सबको फ़ायदा हो उन सबके इंटरेस्ट में और रिसेंटली इस तरह की रिक्वेस्ट भी करी गई थी टर्मरिक को लेकर के हालांकि जो कमेटी थी एडवाइजरी कमेटी उसने वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी तो उसने कहा था कि टर्मरिक में फ्यूचर ट्रेड का कोई बेनिफिट या यूजुअल प्राइस मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलता तो इंडिया में कोई ज़रूरत इसकी नहीं है तो देखते हैं कि जो एसोसिएशन हैं प्रोड्यूसर एसोसिएशन फार्मर एसोसिएशन ये जो डिमांड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज़ को लेकर के खारिफ फारवस्ट के पहले क्या उनकी डिमांड एक्सेप्ट होती है या नहीं दीज आर दैन लिस्ट चना आर एम सीट सोयाबीन सोया क्रूट पाम ऑयल मूंग व्हीट एंड पेडी इन सब के फ्यूचर ट्रेडिंग पर फिलहाल के लिए बैनर डेट ऑफ सस्पेंशन इज दिस डेफिनेटली डू नॉट नीड टू रिमेम्बर दिस हालांकि एक दो कमोडिटीज़ में जो बैन था वो हमें ओवरकम होता है या वो हमें लिफ्ट आउट होता है रहे देखा जैसे कि बात करें री लॉन्च ऑफ द कॉफी फ्यूचर ऑन सेप्टेंबर थर्टी तो नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज दैट इज़ एन सी डी ई एक्स एन सी डी एक्स इज़ गोइंग टू री लॉन्च द कॉफी फ्यूचर फ्रॉम सेप्टेंबर थर्टी आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द सेबी तो कॉफ़ी का फ्यूचर ट्रेड स्टार्ट होने वाला है सीबी के अप्रूवल मिल गए इसका और ज़्यादा डेटा दिया और डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है आप देख लेते हैं समाधान न्यूज़ क्लिप आई आर डी आई मोल्स एस एफ आई ओ लाइक एजेंसी टू प्रॉप द फ्रॉड सो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आई आर डी ए आई भी बोलते हैं सो आई आर डी आई इज कंसिडरिंग रिकमेंडेशन टू सेट अप एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट एजेंसी किस लिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट एजेंसी टू प्रॉप टू इन्वेस्टिगेट द इंश्योरेंस फ्रॉड केसेस और अगर यह एजेंसी फॉर्म हो जाती है तो ये जिस लाइक एस एफ आई ई ओ की तरह ही काम करेगी वॉट इज एस एफ आई ओ दैट इज सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस इसकी तरह ही काम करेगी जो बेसिकली कॉरपोरेट फ्रॉड्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट के अंडर में जो आते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करती है तो एस एफ आई ओ एम सी ए के अंडर में है और ये कॉरपोरेट फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट करती है इसी लाइन में जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर्मेट फॉर्म करने की कोशिश कर रही है और उसका काम क्या होगा उसका काम इंश्योरेंस के फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करना होगा तो इट विल बी अ स्पेशलाइज्ड बॉडी टू इन्वेस्टिगेट प्रिवेंट एंड अन एजुकेटेड पनिश द ऑफेंडर अस सी जो प्रपोजल है रिकमेंडेशन है एक्चुअली कितनी एक्सेप्ट होती है अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप इंक्रीज फोकस ऑन कार सेफ्टी ड्राइव्स ऑफ द कैपेक्स तो रिसेंट टाइम में जो साइरस मिश्री का एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद से रोड सेफ्टी और कार सेफ्टी को लेकर के बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशन ऑर्गूमेंट स्टार्ट हो गया इकॉनमी पर और इवन जो बैक रेयर सीट बेल्ट है उसको भी मैंडेटरी कर दिया गया है इसके बाद से मैनुफैक्चरर्स जो है उनको भी डायरेक्शन दिए गए हैं या उन पर भी प्रेशर है कि वो जो अपनी पर्टिकुलर कार है पैसेंजर व्हीकल उसको और ज़्यादा सेफ़ बनाए और मैन्युफैक्चरर्स के अकॉर्डिंग चाहे वो एयर बैग्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के हो चाहे वो ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम हो ए जिसको बोलते हैं चाहे वो ई हो इलेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिसबिलिटी कंट्रोल ये सारे जो भी सेफ्टी फीचर्स हैं अगर ये इन्हांस किए जाएंगे कार में पैसेंजर कार में तो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज अप द कॉस्ट एक्सपेंडिचर एज वेल एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज तो प्रीमियम कार्स में हालांकि अभी बहुत ज़्यादा इस तरह के फीचर्स आते हैं लेकिन अब अब जो प्रीमियम कार के सेगमेंट के जो कस्टमर्स हैं दे आर डिमांडिंग मोर क्योंकि अगर एक टॉप लेवल का एग्जेकटिव इस तरह के एक्सीडेंट में जा रहा है एक टॉप लेवल की ीमियम सेगमेंट की कार्डिनेटली इट विल हीट अप द डिस्कशन ऑन दिस इशू तो इसी को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा वो देखता हुआ बढ़ता हुआ हमें आगे दिखेगा बिकॉज ऑफ द सेफ्टी बेटिंग सो सॉफ्टवेयर से लेकर के डिज़ाइनिंग से लेकर के इवेंचुअल मैन्युफैक्चरिंग तक सब की सबकी कॉस्ट बढ़ेगी आर एन डी कॉस्ट बढ़ेगी जो तो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो बढ़ेगी डेवलपमेंट की कॉस्ट बढ़ेगी और इसको लेकर के अलग अलग इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ कर रही कंपनीज ने करना भी शुरू कर दिया डेफिनेटली दे डू नॉट वॉन्ट देयर कस्टमर टू गो अवे स्पेशली जो प्रीमियम सेगमेंट की कार होती है अब देख लेते हैं नेक्स्ट पी एम टू अटेंड एस सी ओ मीटिंग ऑन सेप्टेम्बर फिफ्टीन एंड सिक्सटीन जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उजबेकिस्तान जाएंगे किस ले जाएंगे पंद्रह और सत्रह सेप्टेम्बर को किस लिए मीटिंग अटेंड करने के लिए कौन सी मीटिंग एस सी ओ की वॉट इज एस सी ओ स्टैंड फॉर संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सबमिट होने वाली लीडर्स की जहाँ पर ग्रुप की एक्टिविटीज को रिव्यू किया जाएगा लास्ट टू डी में और बहुत सारे मल्टी लेटरल कॉपोरेशंस के जो इशूज़ हैं चैलेंजेस हैं उनको डिस्कस किया जाएगा आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं कि वॉट इज़ दिस

सीपी सीआईएल कोल फील्ड नेशनल फर्टीज टू प्रॉफिट इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन एज पर दब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज सर्वे डेटा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज पी एस सी एस ट्वेंटी ट्वेंटी का जो सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग उन्नीस पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या इसको बोल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिफाइनरी फर्टिलाइजर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर गुड्स एट इन सारी कंपनीज से बिलोंग करती हैं उन्होंने उनकी नाइनटीन पी जो पी एस ईज़ हैं इनको पी एस यूज भी बोलते हैं उन्होंने प्रॉफिट रजिस्टर किया है फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन में और उसमें से आठ पी एस यूज जो है अप्रॉक्सीमेटली आठ पी एस यू ऐसी भी हैं उन लिस्ट में से जो कि लॉस में रहीं एट द एंड ऑफ ईयर फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन तो मेजॉरिटी ऑफ जो कंपनीज हैं मेजॉरिटी ऑफ जो पी एस सीज है पी एस यू सी यूज हैं उन्होंने प्रॉफिट रजिस्टर किया अगर हम नाम की बात करें तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन वेस्टर्न कोल्डफील्ड नेशनल फर्टिलाइजर्स सांभर सॉल्ट हिंदुस्तान सॉल्ट सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया ऑल दिस टाइप्स ऑफ PSUs are actually returning to profit and this is the top five CSPs that's सी profitable in financial year 21 फाइनेंशियल जो कि बहुत टाइम से लॉस में चल रही थी तो एफिशियंसी इंक्रीज हुई है थोड़ा सा पी एस की हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इस न्यूज़ की आप देख लेते हैं नेक्स्ट एक्सपोर्ट मोमेंटम डिस डेसिपेटिंग बट न्यू अपॉर्चुनिटीज आर ओपन दिस इज बेसिकली इन एडिटोरियल बोल सकते हैं एक्सपर्ट व्यू है, है जहाँ पर एक्सपर्ट ने बोला है कि इंडिया का एक्सपोर्ट हो कि हम कहीं टाइम से देख रहे हैं पिछले कुछ वीक्स से हम बोल सकते हैं मंथ्स में इंडिया का जो एक्सपोर्ट जो हिट किया था अप्रॉसीमेटली फोर हंड्रेड का पॉइंट वो अब डिक्लाइन होना शुरू हो गया है और ट्रेड डेफिसिट जो है हमारा जो कैड है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है उसी को लेकर के जो एक्सपोर्ट मैटर्स है मिस्टर टी एन सी राजगोपाल और उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि डेफिनेटली इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है डिक्लाइन हो रहा है इम्पैक्ट हो रहा है बट लेकिन इसके ही साथ साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन हो रही हैं जैसे कि हम बात करें बांग्लादेश के, के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने रिसेंटली इंडिया को विजिट किया था फॉर स्ट्रेंथ स्ट्रेंड इंडिया द लेटर इकोनॉमिक कारपोरेशन जहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड है वो इम्प्रूव होने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिले इसके बाद रशिया के साथ में भी इंडिया का जो ट्रेड है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है स्पेशली इन केस ऑफ रशियन ऑयल तो इसको देखते हुए कई सारे जो कंट्रीज़ हैं लाइक जापान उसके साथ भी इंडिया के जो बायोलेट्रल एसोसिएशन हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन हो रही हैं यूरोप में भी कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंडिया और कंट्रीज़ के बीच में बायोलेट्रल कोपरेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो एक्सपर्ट का बेसिकली कहना है कि कहीं ना कहीं हमारा जो एक्सपोर्ट मोमेंटम है वो रिड्यूस हुआ है वो डेसिपेट हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हैं इंडियन एक्सपोर्टर्स को एंड इट इज़ अ टाइम फॉर इंडिया टू टैप अप दोज अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं बट ओवरऑल यही जिस है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का दट इज ऑल फॉर टू स्टूडेंट्स इफ यू वांट लेक्चर पी यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज आई हैव गि द लिंक इन एट द स्टार्टिंग ऑफ द डिस्कशन सो इफ यू वॉन्ट lecture pdf you can join me on this telegram channel so that is all for today students if you like the initiative please share among your network and if you have any query or suggestion you can write on comment section below please like share and subscribe thank you have a nice day